तो राम राम सभी को। आज अपना यूके में Day 3। अभी अभी बस व्लॉग वगैरह एडिट करके बैठा हूँ। अभी टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं इंडिया के हिसाब से, अभी 1:50 हुआ है। तो व्लॉग वगैरह एडिट हो कर लिया Day 1 का। आज का प्लान प्लान तो कुछ है नहीं, देखेंगे बाहर जाके क्या प्लान बने। तो बने रहिए, दिखाता हूँ आपको आज क्या क्या मिलेगा। तो आज Day 3 को निकल पड़े हैं एक बार और लंदन की गलियों में। तो अभी तो मैं खाना वगैरह खाऊंगा गुरुद्वारे में, लंगर वगैरह खा के मत्था वगैरह टेक के देखता हूँ कहाँ कहाँ पे जाया जाएगा। वैसे जो दीदी आएगी मिलने के लिए, तो उसके बाद देखता हूँ कहाँ कहाँ पहुँचा जाएगा। तो वही फाइनली आ चुके हैं हम लिटिल में। ऐसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे मतलब खाना पीना जो है वो तो सही प्राइस में मिल जाता है। तो देखते हैं कितने सही प्राइस में मिलता है। तो वही लिडल से थोड़ी सी शॉपिंग करी। शॉपिंग भी क्या करी, एक बोतल ली पानी की 2 लीटर की। क्या है ना यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पानी है ना, पानी इतना अच्छा नहीं आता जैसा अपने वहाँ का पानी होता है ना, क्योंकि एक थोड़ा बारी बारी सा पानी। तो यहाँ पानी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, पी तो सकते हैं पर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है उसमें। तो वहाँ से 2 लीटर की एक बोतल ली है लिटल में से पानी की, जो कि यही 35 रुपये के आसपास की पड़ी है अपनी इंडियन रुपीस की। और बाकी जो सामान वगैरह था लिटल में बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। अभी रिक्वायरमेंट तो है नहीं किसी सामान की, जैसे जैसे पड़ेगी तो वैसे वैसे शॉपिंग कर लूँगा। अब वापस अपने रूम की तरफ चलते हैं। अगर जो बात करूँ मैं प्रॉब्लम्स की अब तक की, जो कि मुझे 3 दिन के अंदर अभी फेस करने को मिली है, और सबसे पहले तो यही है पानी की जो कि मैंने अभी अभी बताया। दूसरी की दूसरा ये है किचन की। किचन का क्या सीन है यहाँ पे, जैसे जो मैंने रूम ले रखा है जो कि मेरा अकोमोडेशन है, उसमें किचन अवेलेबल नहीं है। उसमें किचन में सिर्फ मैं अपना पानी गर्म कर सकता हूँ, दूध वगैरह गर्म कर सकता हूँ, खाना वगैरह नहीं बना सकता। तो अगर जो आप एक यूके में आओ तो एक बार ये क्लियर जरूर कर लेना कि भी जो आप जहाँ पे आप रूम वगैरह ले रहे हो वहाँ पे किचन अवेलेबल है या नहीं। मुझे किचन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि एक तो जो ये जनवरी का टाइम होता है ना, इसमें स्टूडेंट बहुत अच्छे खासे लेवल पे आते हैं, तो इसमें क्या होता है रूम वगैरह भी मिल जाए वो बहुत बढ़िया बात है। अभी मतलब खाना वगैरह तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। खाना वगैरह के लिए मैं अभी तो गुरुद्वारे में ही जा रहा हूँ, वहीं पे मतलब वगैरह टेक के खाना वगैरह खाता हूँ और अपना बैग उठा के निकल जाता हूँ घूमने के लिए। अभी तो सिर्फ यही 2 प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिल रही हैं, देखते आगे थोड़ा और सही से हो जाएगा फिर देखेंगे क्या कुछ रहता है।
अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। इस टाइम मुझे थोड़ा काम पड़ गया था, अभी मैं जा रहा हूँ ब्रोड पे, वहाँ पे मुझे संगीत मिलेगा, तो उससे मुझे एक छोटा सा काम है कार्ड लेना उससे, और क्योंकि कल मुझे नहीं यूनिवर्सिटी साइड जाना है अपना BRP कार्ड लेने के लिए, तो मेरे पास अभी ट्रैवलिंग कार्ड होता है जो टिकट वगैरह निकाल सकते हैं जैसे वो नहीं है, तो वो मुझे अभी लेना है, तो उसी के पास जा रहा हूँ। अभी 5:30 बजे हैं, 5:30 बजे आप देख लो कितना अंधेरा हो चुका है। वैसे तो यहाँ पे 4:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है, लेट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी शिफ्ट पूरी होएगी, तो उसके पास जाऊँगा, थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही है, ज़्यादा नहीं कह सकते पर कनकनियाँ ही चल ही रही हैं, मौसम ही ऐसा है यहाँ का। रिचार्ज हो गया 10 पाउंड का। आज पाऊंगा ओ शैंपी दी वर्दी। अरे ब्रो ये जरूरी है काम, तेरा भाई पाएगा। हां शिफ्ट वाले मुंडे मना कदना मिलेगी कुर्सी, ये तो भाई का सिलेंडर बनाना पड़ेगा। रात के दिन देर में कह रहे थे आवेगी, जिम के लाभ पहुंची जाने वाली होगी, तो इतना चला जाओ उसके अलावा मोर गुड हो गया कि तो भाई सन के से कार्ड रोस्टर कार्ड ले लिया है, रोस्टर कार्ड यहाँ पे ट्रैवलिंग के टाइम पे काम आता है, तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी दीदी के पास, दीदी का फ़ोन आया तो अब यहाँ पे आ गया, तो सामान वगैरह देना है, सामान वगैरह दे के फिर चलते हैं अपने घर की तरफ।